In today's class, we are going to find the solutions of all those numericals, the practice numericals that we had done in the earlier live class. And I shall be moving on to question number one. I'm sure we by now know all the important variables and would be in a position to solve out these basic numericals. So this is for our answer number one, numerical one. Now just see the methodology that you have to adopt. What methodology will you adopt to solve a particular numerical? और ये methodology जब आप adopt करेंगे, so for every step you will get marks and you will minimize your the chances of committing a mistake. Now the question is find GDP at MP. ठीक है, क्या ढूंढना है? GDP at MP. This is how you can write in short. So you have to find out GDP at MP. Okay. Now what is given to you? There are four items which are given to you. Which is the most profound item in this? You have to find GDP at MP. The major item that is given to you is NDP at FC. तो आपको GDP at MP ढूंढना है. आपको दिया हुआ है NDP at FC, जो मेजर आइटम दिया है. अब इसको देखिए कैसे जाना है. इस पे आपको देखना है कि इसमें ढूंढना तो ये है, ठीक है. व्हाट इज दिस? यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट दिस इज. दिस इज गिवन टू यू अपार्ट फ्रॉम द अदर थ्री आइटम्स. सो व्हाट यू डू, आपको नेट दिया हुआ है, आपको ग्रॉस ढूंढना है. आपको डोमेस्टिक और डोमेस्टिक यहां कोई चेंज नहीं करनी, बिकॉज एनडीपी इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड आउट जीडीपी. डोमेस्टिक दिया हुआ है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों में कॉमन है, इसमें किसी तरह की कोई चेंज नहीं लानी है. लेकिन और कहां चेंज लानी है? आपको फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. सो आपको फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है और आपको क्या ढूंढना है? मार्केट प्राइस. सो दैट मीन्स इन दिस एंड दिस देन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट. So you have to move, because net is given, you have to move to gross. Because factor cost is given, you have to move to market price. That is what the question is asking. Find GDP at MP. तो इस तरह से अब हम सीधा सीधा इस पर जाएंगे. So हमें क्या दिया हुआ है? तो एक बार आप ये establish कर लेंगे कि भाई मुझे GDP at MP ढूंढना है, मुझे major item NDP at FC दिया हुआ है, इन दोनों में domestic product common है, लेकिन क्या कॉमन नहीं है कि मेरे पास नेट है लेकिन मुझसे ग्रॉस पूछा गया है, मेरे पास फैक्टर कॉस्ट है लेकिन मुझसे मार्केट प्राइस पूछा गया है. सो नाउ हाउ डू आई स्टार्ट? दिस इज हाउ यू स्टार्ट. ठीक. सो यू हैव एनडीपी एट एफसी इज गिवन टू यू. एक एक करके बढ़ेंगे, स्टेप वाइज. इकट्ठे नहीं करना, यू डोंट हैव टू गो ऑल एट वंस. एक ही लाइन में इक्वेशन नहीं बनानी, ब्रेक करके करिए. इट विल मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर एंड एज आई सेड मिनिमाइज द चांसेस ऑफ योर मिस्टेक्स एंड एरर्स. ठीक है, नेट से ग्रॉस जाना ना आपको. अब नेट से ग्रॉस जाने के लिए आपने क्या देखा, कौन सा वाला कीवर्ड था? नेट से ग्रॉस जाने के लिए कौन सा कीवर्ड है? नेट से ग्रॉस जाने के लिए कौन सा कीवर्ड है? डेप्रिसिएशन. सो कौन सा कीवर्ड है? डेप्रिसिएशन. और अगर आप अपने अर्लियर लेसन याद करें, सो नेट में अगर हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ग्रॉस. नेट में अगर डेप्रिसिएशन हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ग्रॉस, और बाकी क्या हो गया? डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. क्योंकि ये जैसा था वैसा ही रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा? नेट में क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन ऐड कर दी तो ये ग्रॉस हो जाएगा. ये बाकी हमने किसी चीज के साथ अभी कुछ भी इसमें बाकी चीजों को इस्तेमाल, बाकी दो चीजों को इस्तेमाल नहीं किया, तो हमने डेप्रिसिएशन को इस्तेमाल किया. तो बिल्कुल आपने ऐसे लिखा, तो आपकी एनडीपी की वैल्यू कितनी है? 725 प्लस डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है? 130. सो 725 प्लस 130 आपका हो जाता है 855. ये 855 क्या मिला आपको? क्या मिला? ये जीडीपी एट एफसी है ना. अब आपको ढूंढना क्या है? ढूंढना क्या है? जीडीपी एट एमपी. अब आपके पास क्या मिल गया? जीडीपी एट एफसी. ठीक है, आपके पास मिल गया जीडीपी एट एफसी.
ढूंढना क्या है, जीडीपी एट एमपी यानी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर। फिर अपने कीवर्ड फॉर्मूला पर जाइए, ध्यान दीजिए फैक्टर कॉस्ट से मार्केट में आपको ऊपर मार्केट में जाना है, फैक्टर से मार्केट में जाना है। तो फैक्टर पर क्या नहीं लगता, फैक्टर से मार्केट पे जाना है ना, फैक्टर से मार्केट पे जाना है ना, तो मार्केट में क्या लग जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स लग जाता है मार्केट में जाके, और मार्केट में जाके क्या नहीं होता, सब्सिडी नहीं होती। याद है आपको ये इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी का एक वर्ड क्या था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इजंट इट। सो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सो जीडीपी। अब हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है, तो फैक्टर कॉस्ट तो है ही हमारे पास, और मार्केट पर जाते जाते और क्या लग गया, इनडायरेक्ट टैक्स लग गया। मार्केट पर जाते जाते क्या नहीं है, सब्सिडी नहीं है। सो जीडीपी एट एफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज विल गिव यू जीडीपी एट। अब आपने जीडीपी तो मिल गया था, अब आपने फैक्टर कॉस्ट को इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करके और माइनस सब्सिडीज करके आपको क्या मिल गया, जीडीपी एट एमपी, जो कि आपको चाहिए, फाइंड जीडीपी एट एमपी। सो दैट मींस अगर मैं इसको आगे लूं तो जीडीपी एट एफसी की वैल्यू कितनी मिली थी हमें, 855 प्लस इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ हमें 90, माइनस सब्सिडीज कितनी दी हुई हमें 100। सो दैट मींस ये कितना हो गया, 855 माइनस 10 विल बी इक्वल टू 845। सो ये 845 क्या मिला आपको, जीडीपी एट एमपी। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 एंड दैट इज हाउ यू हैव टू गो स्टेप वाइज, एवरी स्टेप वन एट अ टाइम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। लेट मी डू इट हियर दिस वे सो दैट यू कैन क्लियरली सी इट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्या ढूंढना है, एनएमपी एट एफसी, इनमें से मेजर आइटम कौन सा दिया हुआ है, जीएनपी एट एमपी। सो अगेन हमने देखना है यहां पे कि हमारे पास, हमें क्या ढूंढना है, एनएनपी एट एफसी, वी हैव टू फाइंड इट आउट। हमें क्या दिया हुआ है, जीएनपी एट एमपी, दिस इज गिवन, द वैल्यू इज गिवन हियर। अब देखिए इसमें हमें क्या क्या चेंज करना है, दिया हुआ है ग्रॉस, ढूंढना है नेट, यानी अब हमें यहां ग्रॉस से नेट पे जाना है। यहां पर नेशनल प्रोडक्ट है, यहां भी नेशनल प्रोडक्ट है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये दोनों जगह पर सेम है। एक और जगह पे क्या दिया हुआ है, मार्केट प्राइस, और ढूंढना है फैक्टर कॉस्ट, यानी इस जगह पर भी हमें बदलाव चाहिए। सो जीएनपी एट एमपी आपको दिया हुआ है, एनएनपी एट एफसी आपको ढूंढना है, और हमने यहां से वी फाइंड आउट दैट ग्रॉस इज गिवन, वी हैव टू गो टू नेट, एमपी इज गिवन, वी हैव टू गो टू एफसी। सो वंस यू एस्टैब्लिश व्हाट इज गिवन एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, दैट विल हेल्प यू टू नो हाउ विल यू यूज द आइटम्स दैट आर गिवन टू यू। Okay, so again, as I said, you have established this. Now we move stepwise. How will we move stepwise? So, gross is given to you. You have to move to net. Gross se net ke liye keyword hai depreciation. Net se gross, gross se net ke liye keyword hai depreciation. Ab kyunki humare paas GNP at MP diya hua hai. So, gross se net par jane ke liye depreciation ko kya keyword hai? Depreciation. Ab hume ग्रॉस से जाना है नेट, तो डेप्रिसिएशन को कर देंगे माइनस। ये याद आ रहा है ना आपको, ये जब तक आप अपने उस चैप्टर को, अर्लियर लेक्चर को क्लियरली नहीं समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब तक यहां अटक जाएंगे। सो ग्रॉस, क्योंकि हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, ठीक है ना। सो दैट मीन्स ग्रॉस से नेट पे डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, तो यहां मिल गया हमें नेट, नेशनल प्रोडक्ट तो है ही, क्योंकि हमने सिर्फ इसमें चेंज किया ना, बाकी किसी में चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ डेप्रिसिएशन ली है, तो ग्रॉस से नेट का चेंज होगा, तो बाकी रह जाएगा ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये नेट हो जाएगा नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब आप देखिए इसकी वैल्यू है 620, डेप्रिसिएशन की वैल्यू है 75, 620 माइनस 75 विल बी योर 545।
Now, what is this 545? NMP8 MP. ये ढूंढा ना आपने? This is NMP8 MP. That means now you have NMP8 MP with you. लेकिन ढूंढना क्या है? NNP8 FC. NNP8 FC. तो ये तो आपका सेम आ गया. NNP यहां भी है, NNP यहां भी है. लेकिन एक चीज चेंज करनी है, मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है. यानी आप मार्केट में हैं, आपको फैक्टर पर आना है. आप मार्केट में हैं, आपको फैक्टर पर आना है. अब मार्केट में हैं, फैक्टर पर आना है, तो फैक्टर पर क्या नहीं, फैक्टर लेवल पर क्या नहीं लगता? इनडायरेक्ट टैक्स तो वहां नहीं लगता, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ लगा होता है भाई? मार्केट में लगा होता है. लेकिन आपको फैक्टर चाहिए, सो फैक्टर पे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस. और फैक्टर लेवल पर क्या मिल जाती है? सब्सिडीज मिल जाती हैं, तो यानी सब्सिडीज को आप प्लस करेंगे. सो दैट मींस एनएनपी एट मार्केट में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दीजिए, सब्सिडीज को ऐड कर दीजिए, यानी आप फैक्टर कॉस्ट पर पहुंच गए. सो यू विल गेट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. नाउ एनएनपी एट एमपी आपको मिल गया था हाउ मच? 545. इनडायरेक्ट टैक्सेस 230. सब्सिडी इज 85. ओके, नाउ व्हेन यू कैलकुलेट दिस यू विल गेट 400. आई सपोज आई एम राइट. सो योर 400 विल बी योर एनएनपी एट एफसी. क्लियर? Now, let me go to question number third. This is your question number three. Okay. Now, question number three says, find NDP at FC. And now, see the question properly. देख के बताइए आप, इसमें major item कौन सा दिया हुआ है? Items which are given? Of course. जीडीपी एट एमपी. ये मैंने इजी करने के लिए मेजर आइटम को फर्स्ट पे ही लिखा हुआ है. लेकिन कई बार अगर क्वेश्चंस आपको देते हैं, हो सकता है वो मेजर आइटम लास्ट में लिखा हुआ हो, तो आपको ढूंढना है उसमें से कि वो आपका मेजर आइटम कहाँ पर है. सो यहाँ पर क्योंकि इनिशियल क्वेश्चंस हैं, मैं आपको आपका समझना आसान रहे इसलिए फर्स्ट ही दे रही हूँ आपको मैं. सो वी आर मूविंग ऑन टू आंसर थ्री. नाउ आंसर थ्री में क्या है आपका? यू हैव टू फाइंड आउट एनडीपी एट एफसी. सो एनडीपी एट एफसी What? Given क्या है आपको? GDP at MP. अब देखिए यहां पर क्या है, सेम क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट. फर्क कहां नजर आ रही है? ग्रॉस से नेट जाना है आपको. GDP दिया हुआ है ना, तो आपको ग्रॉस से नेट जाना है और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है. डोमेस्टिक प्रोडक्ट है सेम, ग्रॉस से नेट जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट. आई होप आप हर एक स्टेप को फॉलो कर रहे हैं. अब हम अपना फर्स्ट स्टेप शुरू करेंगे. सो फर्स्ट स्टेप इज क्या करना है हमें? जीडीपी एट एमपी इज गिवन. नेट पे जाना है, ग्रॉस से नेट जाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा, क्योंकि हम ग्रॉस से नेट गए ना, तो नेट, ग्रॉस से नेट गए तो यहां नेट आ जाएगा. बाकी कहीं हमने कोई चेंज नहीं की, हमने सिर्फ डेप्रिसिएशन इस्तेमाल किया है. सो एनडीपी एट एमपी बाकी जैसा था वैसा ही रहेगा. सो डीपी एट एमपी इज योर 415 माइनस आपका डेप्रिसिएशन. हाउ मच इज डेप्रिसिएशन? 10. 10 415 माइनस 10 हो गया आपका 405. ये 405 क्या मिला? दैट इज एनडीपी एट एमपी. नाउ यू हैव एनडीपी एट एमपी, यू हैव टू फाइंड आउट NDP at FC. So NDP मिल गया, NDP ये रहा. अब आपको मार्केट प्राइस से कहां जाना है? फैक्टर कॉस्ट. सो मार्केट से फैक्टर कॉस्ट. ओके, दैट मींस यू हैव NDP at MP. यू हैव टू फाइंड आउट NDP at FC. मार्केट में हो, है ना, फैक्टर ढूंढना है. फैक्टर पर क्या नहीं लगता? इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगता. फैक्टर्स को क्या मिल जाता है? सब्सिडीज मिल जाती है. तो दैट मींस इफ यू डू दिस देन यू गेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. एनडीपी एट
एफसी. अब एनडीपीएट एमपी की वैल्यू इज 405, इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू इज 110, प्लस सब्सिडी की वैल्यू इज 40. 405 माइनस 110 प्लस 40 विल गिव यू 335. ये क्या मिला आपको? एनडीपीएट एफसी. Is that fine? So this is how you have been trying to solve these questions. So this was your question number 3. Now as far as your question number 4 goes, so your question number 4 is something like this. This is your question number 4. So if I just answer it here, question number 4. Find NDP at MP. दिया हुआ है major item GDP at FC. So NDP at MP आपको ढूंढना है. दिया हुआ है GDP at FC. तो gross same, ये same है, ये same है. Same क्या नहीं है? आपके पास gross है, आपको net चाहिए. आपके पास factor cost है, आपको market price चाहिए. ठीक है ना? So gross है आपके पास, आपको नेट चाहिए. ग्रॉस नेट का क्या कीवर्ड? व्हाट इज द कीवर्ड? व्हाट इज द कीवर्ड? डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन ले लेंगे तो हमें, क्योंकि इसको नेट बनाया तो ये डेप्रिसिएशन माइनस की तो ये नेट बन गया. बाकी हमने किसी चीज के साथ अभी चेंजेस नहीं की हैं, सो इट विल रिमेन द सेम. सो जीडीपी एट एफसी इज 90 माइनस डेप्रिसिएशन इज 5. NDP at FC will be 85. So your NDP at FC will be 85. Okay. This is NDP at FC. अब आपके पास NDP at FC आ गया, लेकिन ढूंढना है आपको NDP at MP, यानी factor cost से market price. तो अब आपके पास NDP at FC है, factor cost है. जाना कहाँ है? Market पर. फैक्टर है, जाना कहाँ है? मार्केट पर. मार्केट में क्या लग जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स लग जाता है. मार्केट में क्या नहीं होता? सब्सिडीज नहीं होती, तो माइनस सब्सिडीज. सो फैक्टर कॉस्ट में अगर इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करेंगे, सब्सिडीज माइनस करेंगे, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा. सिर्फ फैक्टर कॉस्ट अब किस में चेंज हो जाएगा? मार्केट प्राइस में. So NDP at FC was 85 plus indirect tax was 15, subsidy is 25. So 85 plus 15 minus 25 makes it 75. 85 minus 10, 75. क्या मिल गया आपको? NDP at MP. This is your question number 4. ठीक. Now I move on to question number 5. You had 10 questions. In this video, I am discussing all the 10 questions so that you get a hang of what is to be done when we are moving into the bigger ones, that is your methods of measuring national income. So, ab aap dekhiye, ye hamara ho gaya answer number 5. क्या दिया हुआ है आपको? NNP at FC. Oh, this is an interesting question. This is a very interesting question. देखिए, क्या दिया हुआ है आपको? NNP at FC. ढूंढना क्या है? GNP at FC. So ढूंढना क्या है? GNP at FC. हमें ढूंढना है. दिया क्या हुआ है? NNP at FC. अब interesting मैंने क्यों कहा? Interesting इसलिए कहा कि देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है net, ढूंढना है gross. दिया हुआ है नेट, ये दिया हुआ है वैल्यू नेट, ढूंढना है ग्रॉस. नेशनल प्रोडक्ट सेम है, नेशनल प्रोडक्ट सेम है. फैक्टर कॉस्ट सेम है, फैक्टर कॉस्ट सेम है. यानी यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक जगह के लिए हमें चेंज चाहिए, माने नेशनल से हमें ग्रॉस पर जाना है. बाकी ये सारा सेम है. यू कैन ऑलरेडी सी. सो दिस कैन बी अ वन मार्क क्वेश्चन ऑल्सो. आपको लगेगा न्यूमेरिकल है, पता नहीं कितना बड़ा होगा, इतने सारे वैल्यूज हैं, बट इट कैन
be finished in one line itself. It can be a one mark question easily. अब नेट से ग्रॉस जाने के लिए कीवर्ड डेप्रिसिएशन. सो हमारे पास नेट है, एनएनपीएटएफसी है, हमें क्या चाहिए, जीएनपीएटएफसी. सो नेट से ग्रॉस, नेट से ग्रॉस जाते हैं तो डेप्रिसिएशन हमें कीवर्ड यूज करना है. लेकिन नेट से ग्रॉस जाने के लिए डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं. सो दैट मीन्स नेट से नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दी तो क्या मिल जाएगा, ग्रॉस. बाकी तो और हमने कहीं चेंज कुछ की नहीं. सो दिस विल रिमेन द सेम. ये देखिए आपको जीएनपीएटएफसी मिल गया, एक इक्वेशन में आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया. अब क्या करना है आपको, 940 वैल्यू पुट करिए प्लस डेप्रिसिएशन 200. 940 प्लस 200 विल बी 1140. ये 1140 क्या मिला आपको, जीएनपीएटएफसी. अब आप तो ये जीएनपीएटएफसी चाहिए था. अब आप ये यू विल स्टार्ट वंडरिंग एज टू इफ दिस क्वेश्चन वाज टू बी डन इन जस्ट वन इक्वेशन एंड देन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, व्हाट वाज द नीड फॉर गिविंग सब्सिडी एंड इनडायरेक्ट टैक्स एंड अननेसेसरीली यू नो मेकिंग द क्वेश्चन सो लॉन्ग. दिस इज माय डियर चिल्ड्रन एग्जैक्टली हाउ क्वेश्चंस आर गिवन, जस्ट टू प्ले अराउंड वेदर यू नो where to go, how to go, what to use, what not to use. So here in this question, neither subsidy nor indirect tax is of your use. They are not of any use to you. You just don't have to bother about their presence. They are given precisely to confuse you. हाँ, अगर यहाँ पर NNPATFC होता और GNPATMP पूछा होता तब आपको use करना था. लेकिन यहाँ तो NNPATFC है और GNPATFC पूछा है, तो जब ये सारा और ये सारा सेम है तो इसमें कोई चेंज चाहिए ही नहीं. वी जस्ट नीड अ चेंज फ्रॉम नेट टू ग्रॉस फॉर विच वी विल हैव डेप्रिसिएशन, वी विल गेट ग्रॉस, रेस्ट रिमेन्स द सेम. सो कीप इन माइंड दैट देयर मे बी क्वेश्चंस लाइक दिस आल्सो, नॉट नेसेसरली दैट यू हैव टू यूज ऑल द डेटा दैट इज गिवन टू यू. यू शुड बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड वॉट डेटा इज ऑफ यूज टू यू एंड वॉट is not of any use to you. Questions are given that way also. So this was an interesting question. Answer number 5. आप में से जिन्होंने काफी बच्चों ने टर्न इन किया हुआ है, आप देख लीजिए कैसे आप लोगों ने, whether you are doing it in the same manner, whether and the rest of you also see how exactly it is to be done. Those who have turned it, वो भी देखेंगे कि किस तरह से step wise किया जाना है इसको. This is precisely how, what the methodology that you will follow to solve these numericals, whether they are as simple as this or whether they become more advanced when you go to methods of measuring national income. Now answer number 6 is GDP at factor cost. ठीक है, now GDP at कॉस्ट में दिया हुआ है एनडीपी एट मार्केट प्राइस. सो यू हैव टू फाइंड आउट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज नॉट गिवन, बट यू डू हैव एनडीपी एट मार्केट प्राइस. नाउ व्हाट डू वी सी, दिस इज गिवन, नेट इज गिवन, कहां जाना है, ग्रॉस. डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट सही है, इसमें कोई चेंज नहीं है. अगर नेशनल होता तो यहां भी चेंज करनी पड़ती, लेकिन ये भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट. फिर ये मार्केट प्राइस, लेकिन पूछा गया है फैक्टर कॉस्ट. So I think this is again understandable. Net से gross जाना है, market price से factor cost जाना है. So तो let's go NDP at MP. देखिए मेरी speed बहुत तेज नहीं है, slow है. आप चाहें तो साथ साथ में कोशिश कर सकते हैं इसको solve करने की. तो net से gross जाना है, depreciation को add कर देंगे. नेट से ग्रॉस जाना है, डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे तो नेट बन गया ग्रॉस. बाकी हमने अभी किसी में कोई चेंज नहीं की तो हमें मिल जाएगा जीडीपी एट एमपी. सो एनडीपी एट एमपी है हमारा यहाँ पर 875, डेप्रिसिएशन है 80, 955 हमारा हो गया जीडीपी एट एमपी. फिर अब हमें क्या मिल गया, जीडीपी एट एमपी मिल गया. ढूंढना क्या है, जीडीपी एट एफसी. तो जीडीपी जीडीपी कॉमन हो गया, लेकिन अभी भी क्या है, एमपी से एफसी, एम मार्केट से फैक्टर. तो मार्केट से फैक्टर, फैक्टर में क्या नहीं लगता, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगता, तो माइनस.
फैक्टर में क्या लगता है, सब्सिडीज लगती हैं, तो सब्सिडीज प्लस, यस सब्सिडीज प्लस, तो मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज प्लस, तो ये जो था वो रहेगा, हमने सिर्फ चेंज किया है मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में, तो ये हो गया चेंज। सो जीडीपी की वैल्यू हमें एमपी की वैल्यू मिली थी 955, इनडायरेक्ट टैक्स 260, सब्सिडीज 110, सॉल्व इट आउट 805, व्हाट इज 805 जीडीपी एट एफसी, आई थिंक दिस शुड बी क्लियर इनफ, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7। So this is your answer number 7. Find GNP at FC. You have to find out GNP at FC. नहीं पता हमें. Major item दिया हुआ है NDP at MP. यानी net है, ढूंढना है gross. अब यहाँ देखिए आ गया interesting. एक और interesting part आ गया. यहाँ net दिया हुआ है हमें, net दिया हुआ है हमें, ढूंढना है gross. Net दिया हुआ है, ढूंढना है gross. डोमेस्टिक दिया हुआ है हमें, ढूंढना है नेशनल, एन नेशनल, यानी यहां से यहां में भी कुछ चाहिए हमें, डोमेस्टिक से नेशनल में भी कुछ चाहिए हमें, और मार्केट प्राइस दिया हुआ है, ढूंढना है फैक्टर कॉस्ट, यानी इस क्वेश्चन में तो काफी सारी चीजें हमें ढूंढनी है भाई। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास है और जो हमें चाहिए, जो डेटा हमारे पास है और जो वेरिएबल हमसे पूछा गया है, उसमें तो बहुत जगह डिफरेंस है। नेट से ग्रॉस जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है। तो अगेन धीरे धीरे इस तरफ बढ़ेंगे, स्टेप वाइज इस तरफ बढ़ेंगे। कैसे? नेट दिया हुआ है, ग्रॉस पे जाना है, प्लस डेप्रिसिएशन, तो ग्रॉस जाएगा ये, बाकी हमने नेट और ग्रॉस को चेंज किया है, तो इसको ग्रॉस करेंगे, बाकी सेम रहेगा जीडीपी एट एमपी। ठीक, ये आपका जब जीडीपी एट एमपी हो जाता है, सो दैट मींस अब आप इसकी आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं जीडीपी एट एमपी की। जो वैल्यूज पुट करेंगे सो क्या आ जाएगा, 565 प्लस डेप्रिसिएशन कितना 65 मेक्स 630, मिल गया आपको जीडीपी एट एमपी। ठीक, अब मिल गया, तो अब आप जीडीपी एट एमपी है आपके पास, ये वाला हो गया, नेट से ग्रॉस पहुंच गए आप, अब ये जीडीपी एट एमपी है, जीएनपी एट एफसी, यानी जी और जी बराबर। अब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, स्टेप वाइज जाओगे डोमेस्टिक से नेशनल। डोमेस्टिक से नेशनल के लिए क्या है कीजिए, ये रहा क्वेश्चन आपका, इसमें से कौन सा आएगा डोमेस्टिक से नेशनल, फैक्टर से मार्केट नहीं, डोमेस्टिक से नेशनल, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए आप एनएफआईए को ऐड कर देंगे, आप डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हैं, सिर्फ इसको चेंज कर रहे हैं, तो बाकी सब सेम रहेगा, ये ग्रॉस तो ग्रॉस है मगर डोमेस्टिक क्या हो गया, अब नेशनल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने एनएफआईए को ऐड कर दिया, बाकी प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो जीएनपी एट एमपी, आपको ढूंढना है जीएनपी एट एफसी। अब जीएनपी जीएनपी मिल गया, बाद में क्या करेंगे आप, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, पहले इसकी वैल्यू पुट कर लें, जीडीपी एट एमपी 630 प्लस एनएफआईए 310, 630 प्लस 310 विल बी 940, दैट मींस जीएनपी एट एमपी आपको मिल गया। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट वो पता ही है आपको, जीएनपी एट एमपी आपके पास मिल गया, मार्केट से फैक्टर, फैक्टर में क्या नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स, फैक्टर में क्या है, सब्सिडीज, नहीं है इनडायरेक्ट टैक्स तो माइनस, है सब्सिडीज तो प्लस, तो आपको मिल गया जीएनपी एट एफसी 940, इनडायरेक्ट टैक्स 30, सब्सिडीज 35, 940 माइनस 35
minus 30 plus 35 is 945. This is your GNP at FC. Alright. So, अब हमारा हो गया 7 questions हो गए, 10 दिए थे, 8th question पे हम लोग बढ़ रहे हैं. Now, 8th question. So, this is your answer number 8. Find GDP at MP. So, you have don't know what GDP at MP is. The major variable given is NNP at FC. So, NNP at FC is given to you. Now, you see from net, you have to go to gross. From national, you have to go to domestic. From factor cost, you have to go to market price. Just like in question number 7, in question number 8 also, you have lot many things to change. And what are those lot many things? Net is given to you, gross you have to find out, national is given to you, domestic you have to find out, factor cost is given to you, market price you have to find out, है ना? So, अब हम कैसे अपने step wise बढ़ेंगे? So, हमारे पास NP at FC दिया हुआ है, अब हमें net से gross पर जाना है. Net से gross, keyword is depreciation. और net से gross, depreciation को add करना है. तो हमें क्या मिल जाएगा? Net से gross. तो gross हो गया ये, बाकी हमने कोई change नहीं की, so it remains the same. So, what you get is GNP at FC, substituting the values, this is 240, plus depreciation is 20, that makes it 260. So, your GNP at FC you get as 260. Once you write this equation and you write this 260, you need not again write this, but यहाँ पर मैं इसलिए लिख रही हूँ कि आपको थोड़ी clarity हो जाए, you are doing it for the first time, these questions. So, once you give this equation and this, that means even if you don't write this, 260 is nothing but GNP at FC. Okay. Anyway, even if you write it, that really doesn't make a difference. So now you have got at GNP at FC. You have to find out GDP at MP. You now have GNP at FC. So gross or gross aapka same ho gaya. Ab kya hai? Aapke paas national hai. Aapko kahan jana hai? Domestic par. You have national, you have to go to domestic. So, from national to domestic, just try and recollect the keyword. From national to domestic. National se aapko domestic pe aana hai, ya domestic se aapko national pe jana hai, to keyword kya hai? Net factor income from abroad. NFIA is the keyword. What your factors receive in the rest of the world? And what you pay to the non-residents working here in your country. You remember that? So, that particular lecture is very, very important. Abhi bhi jinhone us lecture par zyada dhyan nahi diya, they will have to go back. Now, you see, aapko baar baar use refer karna padega. Anyway, so, ab hume kya karna hai? National se domestic pe jana hai. National broader concept hai. डोमेस्टिक के कंपैरिजन में, सो नेशनल में से अगर हम एनएफआईए को माइनस कर लेते हैं, नेशनल में से अगर हम एनएफआईए को माइनस कर लेते हैं, तो हमें डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट मिलता है. तो देखिए, ग्रॉस तो मिल गया था, नेशनल में से एनएफआईए को माइनस कर लिया तो हमें डोमेस्टिक मिल गया, बाकी हमने किसी चीज को भी चेंज नहीं किया, इट रिमेन्स द सेम. जीडीपी एट एफसी मिल गया आपको. Let's substitute the values. 260 minus NFIA is okay. Minus NFIA is, NFIA ki value kya di hui hai? Minus 60. Minus NFIA ki value kya di hui hai? Minus 60. Yahan ye dhyan rakhna hai aapko. Aap sirf 260 minus 60 nahi likh sakte. 260 minus NFIA ki value. NFIA ki value kya hai? Minus 60. So, keep this in mind. Solution karne ke time, in cheezon ka dhyan rakhna hai. So, 260 minus minus 60 will give you 260 plus 60. Is it or is it not? So, 260 minus minus plus ho jayega, to aapko ye ho jayega 320. Ye 320 kya mila aapko? GDP at FC mil gaya aapko.
जीडीपी एट एफसी मिल गया, ढूंढना है जीडीपी एट एमपी। सो जीडीपी जीडीपी तो भैया आ गया, सेम लेवल पे आ गया, सेम पेज पे आ गया। लेकिन अभी सेम पेज पे व्हाट इज नॉट देयर, यू हैव द फैक्टर कॉस्ट बट यू हैव टू फाइंड आउट द मार्केट प्राइस। सो हियर यू हैव जीडीपी एट एफसी, यू हैव टू फाइंड आउट जीडीपी एट एमपी। लाइक फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट यू हैव टू गो टू द मार्केट प्राइस। वॉट इज इंक्लूडेड इन द मार्केट प्राइस? Indirect tax, so it is included, added. What is not there in the market price? Subsidies, it is not there, so subtracted. So what will you get? Because you have included indirect tax and deducted subsidies, two factor cost, that means what you have got is GDP, वो तो है, change क्या किया आपने, factor cost को market price में change कर दिया. So if I substitute again the values, it will be 320 plus indirect taxes 20 minus subsidies 50. 320 plus 20 minus 50 will make it 290. So this is your GDP at MP. So here worth mentioning, worth keeping an eye on, worth paying attention is the 260 minus the value of NFIA. And what is the value of NFIA? माइनस 60. तो NFIA की वैल्यू को पूरा लिखिए, वही इस माइनस का, इस माइनस से कोई लेना देना नहीं, इसमें से आपको NFIA माइनस करना है, तो आपको NFIA की वैल्यू जो है वो लिखनी पड़ेगी, और ये माइनस तो ये रहा, सो दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड। क्वेश्चन नंबर 8, नाउ लेट मी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। You have to find out NNP at MP. You don't know. So NNP at MP. Question mark. What is given is GDP at FC. Now, gross is given. Net ढूंढना है. Domestic is given. National ढूंढना है. Factor cost is given. Market price ढूंढना है. So you must have seen कि जैसे जैसे questions आगे बढ़े हैं, इसमें steps बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा चीजें ढूंढने के लिए मैंने आपको दी हैं. That's how you will have to. सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, पहले ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, तो ग्रॉस से नेट पे गए तो ये नेट बन गया, बाकी चीजें हमने अभी एडजस्ट नहीं की, तो जो जैसा है वैसा ही रहेगा। दिस इज 385 माइनस 105, दिस मेक्स इट 280। दिस इज योर एनडीपी एट एफसी। प्लीज करेक्ट मी इफ समवेयर प्लस माइनस गोज अ बिट हियर एंड देयर। So I think it is 280. Yes, it's 280. So NDP at factor cost. Now you have NDP at factor cost, you have to find out NNP at market price. So net or net to same page pe aa gaya. Ab domestic hai, national ढूंढना hai. To ab aapke paas NDP at FC hai, domestic se national jana hai. Domestic se national jane ke liye keyword NFIA. Domestic se national jana hai aapko, zyada bade स्केल पर वर्क करना है, तो NFIA क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यू हैव टू ऐड NFIA टू डोमेस्टिक, दिस विल गिव यू नेट तो है ये, अब डोमेस्टिक को NFIA ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, नेशनल, और बाकी तो अभी आपने कोई चेंज की नहीं, इट विल रिमेन द सेम। सो डोमेस्टिक में NFIA ऐड किया तो अभी नेशनल हो गया, सो योर वैल्यूज विल बी 280 प्लस NFIA इज 90। So 280 plus 90 will be 370 is your NNP at FC. You have NNP at FC, but you have to find out NNP at MP. Abhi NNP or NNP same ho gaya. So here NNP, here NNP. Now what remains is factor cost hai, market price chahiye. Factor cost hai, market price chahiye. So ye aapke paas NNP at FC aa gaya. Okay. Factor cost hai, मार्केट प्राइस चाहिए, मार्केट प्राइस चाहिए तो मार्केट में क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है तो ऐड करो, मार्केट में क्या नहीं है, सब्सिडीज नहीं है तो माइनस करो, तो आपको क्या मिल जाएगा, एनएनपी एट, आपने फैक्टर कॉस्ट में ये चीज ऐड की है, जिसे हम फिर याद दिला दूं नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं, सो दिस विल बी योर एनएनपी एट मार्केट प्राइस। Okay, so this is 370
plus 60 minus 40 makes it 390. This is your NMP at MP. This is what you have to find out. Okay, this is your question number 9. Moving on to the last question now. Is your question number 10. So, this is your answer 10. NMP at FC, नहीं पता क्या दिया हुआ है. GDP at main variable, GDP at MP, gross से net पे जाना पड़ेगा, domestic से national पे जाना पड़ेगा, market से factor पे जाना पड़ेगा. So GDP at MP is given, net पे जाना है, gross से net, depreciation क्या minus, तो net domestic product at market price, ये सारा सेम रहेगा. हमने सिर्फ क्या चेंज किया, ग्रॉस को नेट में बदला क्योंकि डेप्रिसिएशन यूज किया हमने यहाँ. ठीक है, सो योर वैल्यू इज 75 माइनस योर डेप्रिसिएशन इज 20. 75 माइनस 20 इज 55. आपका एनडीपी एट एमपी क्या हो गया, 55. सो वी हैव जस्ट मेड अ चेंज इन फ्रॉम ग्रॉस टू नेट, सो दैट्स योर 55. NDP at MP मिल गया आपको, चाहिए क्या NNP at FC. अब ये N और N we have got the same thing. Now we move from domestic to national. This is how step wise you have to go. This was your step, एक step ये था, अब दूसरा step ये है. So NDP at MP मिल गया आपको, अब domestic से national पे जाना है, domestic से बड़े पे जाना है. तो domestic से national वैसी वर्षा के लिए term क्या है, NFIA. कीवर्ड क्या है, NFIA. सो डोमेस्टिक से नेशनल पर जाएंगे तो NFIA को ऐड कर देंगे. सो नेट तो बन ही गया था, NFIA ऐड करने से डोमेस्टिक क्या बन गया, नेशनल बन गया. बाकी हमने अभी किसी में भी कोई चेंज नहीं की. सो NDP at MP इज 55 प्लस NFIA. अब ये देख लीजिए, प्लस NFIA इज हाउ मच, माइनस 12. तो यहां पर NFIA की वैल्यू लिखेंगे माइनस 12. यू अंडरस्टैंड, दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड. तो ये प्लस माइनस माइनस 3 एंड 4, 43. क्या मिल गया, NNP at MP. सो नाउ यू हैव NNP at MP, NNP, NNP. यू गॉट द सेम थिंग बट स्टिल वन थिंग इज डिफरेंट. आपके पास मार्केट प्राइस है, आपको फैक्टर कॉस्ट ढूंढना है. So what we do is NNP at MP, market price है, factor ढूंढना है. Factor पे क्या नहीं है, indirect tax नहीं है. Factor पे क्या है, subsidies हैं. तो हमें NNP तो NNP था, अब market price में से ये हमने निकाला ना, तो क्या रह गया हमारे पास, factor cost. So 43 minus 10 plus 8 makes it 41 NNP at FC. So these are every single question, practice numerical, all the 10, the stepwise solution. This is how you have to do. Agar ye 10 question bhi aap bar bar practice kar lenge, तो आपको आगे आने वाला चैप्टर करने में आपकी डिफिकल्टी लेवल कई गुना कम हो जाएगी. इज दैट फाइन? थैंक यू.